एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है। पिछले साल हमने 38,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है और एक 1054 के करीब जो है उनका नेट प्रॉफिट रहा आफ्टर टैक्सेस। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का मानना है कि एक बिजनेस को बढ़ाने का माध्यम स्पोर्ट में होता है। खिलाड़ी तो होते ही हैं लेकिन खिलाड़ी के साथ दर्शक भी आते हैं। वहाँ पर किसी भी कंपनी की जब ब्रांडिंग होती है तो उस ब्रांडिंग को देख करके उसके बारे में एक अवेयरनेस आती है। जब अवेयरनेस आती है तो आदमी को लगता है कि उसके बारे में और जानकारियाँ मिल जाती है। तो खेल को बढ़ावा देने के साथ साथ अपने प्रोजेक्ट को बेचना शायद सबसे आसान होता है। तो इसी कड़ी के अंदर डॉक्टर देवेंद्र और रामबा गोल्फ क्लब ने हम लोगों को संपर्क किया और हमको भी लगा कि शायद रामबाग गोल्फ क्लब से अच्छा कोई माध्यम नहीं हो सकता है। पार्टिसिपेट किया और उसमें लगातार दूसरी बार मैंने क्रॉस अवार्ड लिया जो कि पूरे पब्लिक सेक्टर के इतिहास में शायद किसी ने नहीं किया। तो एक क्लब की देन है कि मुझे भी इतना सपोर्ट मिला और कंपनी का तो है ही है क्योंकि मैं जिस कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूँ उसका भी बड़ा नाम होता है। और एक चीज और, चूंकि ये हमारे साथ में श्रीज जी और हिमसिंह बैठे हैं, हम लोगों का ना सिर्फ गोल्फर से ही नहीं है, गोल्फ क्लब में और भी बहुत सारे करीब लेबर यहाँ पर काम कर रही है, श्रमिक भी है और मैनेजमेंट भी है। हमने उनके लिए भी इस बार उनके लिए 1,00,000 रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट देने का वादा किया और इसकी करीब 2 करोड़ रुपए लागत रहती है। और हमारा भी एक सामाजिक दायित्व भी है कि हम इस तरह के जो नीचे स्तर के भी तबके के लोग समृद्ध कार्य कर रहे हैं उनको भी अपनी इस कंपनी के माध्यम से किसी न किसी रूप में उनको संबल दें। तो मैं श्री जी और हेम शाह दोनों का साधुवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए सहमति दी और फ्री हैंड भी दिया। कई जगह हम लोग बाउंडेड थे कि नहीं इस तरह से नहीं होना उनसे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अगर गोल्फ की बढ़ाई के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको खुली छूट है, ऐसा नहीं है। तो धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी पधारे, इस इवेंट 3 दिन चलेगी। कल 23 तारीख को सुबह 7 बजे इसका टी ऑफ है। करीब 100 लोग कल खेलेंगे जिसमें वेटरन्स और महिलाएं प्लस जो 19 से 24 हैंडीकैप है वो वर्ग खेलेंगे। और उसके बाद चूंकि यहाँ पर गोल्फर की संख्या काफी बढ़ गई है, एक समय था जबकि मुश्किल से गिने चुने गोल्फर होते थे, उनका दूसरे दिन 24 तारीख को सुबह 7 बजे टी ऑफ है। वो काफी अच्छे हैंडीकैपर्स के प्लेयर्स हैं, आप उन टूर्नामेंट के दौरान ज्वाइन कीजिए, उनका गेम देख सकते हैं। लाइव टेलीकास्ट आप करेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा, एक खिलाड़ी को ऊपर बढ़ाने के लिए काफी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। हायर हैंडीकैप वाले जैसे कल खेलेंगे तो गोल्फ में और पोलो में उल्टा होता है। पोलो में जितना हायर हैंडीकैप प्लेयर होता है माइनस से शुरू करते हैं, फिर 0 आता है, फिर 1, 2, 3, 4, 8, 9 के तो हाईएस्ट वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर होते हैं। गोल्फ में उल्टा होता है, हाईएस्ट हैंडीकैप और लोएस्ट प्लेयर होता है वो बिगनर होता है, जो 24 का होगा, फिर 20 का होगा, फिर 18 का, जो 10 से नीचे जो होते हैं वो बेस्ट गोल्फर्स हैं। तो उनका परसों होगा मैच, कल जो हायर हैंडीकैपर हैं वो खेलेंगे। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि इधर हम हाई हैंडीकैप जिसको बोलते हैं वो एक बेसिक प्लेयर होता है और लोअर जो हैंडीकैप है दे आर बेटर प्लेयर्स, और पोलो में कंप्लीटली अपोजिट होता है। ये आयोजन रामबाग गोल्फ क्लब में चलता रहता है लेकिन इस विशेष आयोजन के लिए हमने 2 दिन का समय रखा है क्योंकि पार्टिसिपेंट्स कुछ ज़्यादा हैं। 0 से और 11 हैंडीकैप वर्ग का एक बैच है और दूसरा 11 से लेके 18 तक का एक है, इसी तरह 19 से लेके 24 तक का एक है। और इसमें वेटरन्स भी हैं, महिलाएं भी हैं और बालिकाएं भी हैं, जूनियर लेवल के भी गोल्फर्स हैं, अच्छे गोल्फर्स हैं। ये गोल्फ क्लब एक ऐसा माध्यम है, ये कह सकते हैं कि जयपुर नहीं राजस्थान का एक आर्थिक क्षेत्र भी एब्सेंट है। इसी गोल्फ क्लब में हमें एक तरह का पारिवारिक माहौल भी मिलता है जिसमें हर तरह का एक गोल्फर यहाँ पर होता है, चाहे वो IAS हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे राजनीतिज्ञ हो, चाहे CA हो, चाहे आर्किटेक्ट हो, और अनेक तरीके की यहाँ पर एक गैदरिंग होती है और गोल्फ के माध्यम से वो आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और ये टूर्नामेंट चूँकि रामबाग गोल्फ क्लब में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी सह प्रायोजित कर रहा है, इसके पीछे एक ये भी कारण है कि मैं इस गोल्फ क्लब से निकल करके काफ़ी हायर लेवल की गोल्फ खेल चुका हूँ और मैंने इस गोल्फ के माध्यम से हमारी कंपनी का नाम काफ़ी भारतीय स्तर पर ऊंचा किया है।
तो मुझे भी गर्व होता है कि मैं इस न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के लिए गोल्फ के माध्यम से काफ़ी कुछ अपने लिए करवा रहा हूँ। और साथ में ये भी है कि आप के चैनल के माध्यम से और आपके सभी जो पत्रकार भाई लोग हैं उनके माध्यम से इस तरह की जो गोल्फ की या और स्पोर्ट्स की जितनी भी चीज़ें हैं उनको काफ़ी ऊंचे स्तर तक आप ले जाते हो। हम लोग दो दिन का टूर्नामेंट आयोजन कर रहे हैं, हम लोग 23 और 24 को होगा। इसमें करीब करीब 200 खिलाड़ी भाग लेंगे और उसमें जिसमें 10, 11, 12, 18, 19, 24 हैंडीकैप वर्ग के मुकाबलों के साथ साथ वेटनर्स और महिला वर्ग के खिलाड़ी भी भाग लेंगे। टूर्नामेंट के विजेताओं और जो उप विजेता हैं उनको प्रस्तुत करने के लिए ग्रास विनर, क्लोजेस्ट टू पिन और लॉन्गेस्ट ड्राइव, स्ट्रेस ड्राइव के पुरस्कार भी से भी उनको नवाजा जाएगा। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी जो है खिलाड़ी स्पोर्ट्स के माध्यम से भी अपने प्रोडक्ट्स का अवेयरनेस एक प्रोग्राम चलाना चाहती है, जिसको हम मान के चलते हैं कि जब खिलाड़ी आएंगे और दर्शक आएंगे और बीमा के जो हम लोग प्रोडक्ट रखते हैं उनके देखेंगे और उनके चर्चा की जाएगी, तो उनकी जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है या ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट है या व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा है, ऐसे जो हेल्थ प्रोडक्ट की बात करें तो आज की बड़ी एक आवश्यकता है और ये जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हो गया। तो इसी के माध्यम से हम अपनी ब्रांडिंग भी करना चाहते हैं, साथ के साथ हम अपने स्पोर्ट्स को भी जो है सपोर्ट करना चाहते हैं।